श्री सुखमनी साहब जी दी बाणी किवें तन दे रोग दूर करदी है। अमृतसर दा एक गुरमुख प्यारा जिस दे पुत्तर दे सिर विच फोड़े हो गए, डॉक्टर कोल गए तां डॉक्टर कहन लगा, इस दा सिर सारा गलिया पिया है, इस दे पहला केस कटवा के आओ, मैं इस तरह इलाज नहीं कर सकता। वेखो अज कल कई शौक नाल केस पे कटवांदे हन, पर धन हन वह गुरमुख प्यारे जिन्हां ते मजबूरी भी बन जावे तां वी बचाते हैं केसा। वह गुरमुख प्यारा कहन लगा, असी सिख हाँ, केस नहीं कटवा सकते, तुसी इस तरह ही दवाई लगा देवो, गुरु साहब आप ही कृपा करनगे। पर वह डॉक्टर ना मन्या। वह गुरमुख प्यारा अपने पुत्र दी उंगल फड़ के उसनू हरिमंदर साहब दुख पंजनी बेरी दे स्थान ते लै गया। तुसी जानते ही हो कि सिर गलिया होवे तां पानी पाउण नाल जख्म होर खराब होण दा डर हुंदा है। उस गुरमुख प्यारे दी श्रद्धा, भरोसा, विश्वास, उसने केसा समेत अपने पुत्र नूं दुखपंजनी बेरी दे सरोवर विच इशनान करवा दिता ते उत्थे ही कंध नाल लग के श्री सुखमनी साहब जी का पाठ किया। अंदर जा के देह कराई ते अरदास कीती के सतगुरु जी कृपा करो, रोज़ ही उन्होंने इस तरह करना, अपने पुत्र नूं दुखपंजनी बेरी दे स्थान दे सरोवर विच केसा सने इशनान करवाना, सुखमनी साहब जी दा खड़े हो के पाठ करना ते देख करवा के अरदास करनी। सत्तवें दिन ही कृपा हो गई, सिर खुश्क होना शुरू हो गया ते तेरहवें दिन बिल्कुल निर्मल खोपड़ी, एक फोड़ा भी नहीं सिर विच रहा। ए ते मौजूदा समय दियां गल्लां ने किन्नी वड्डी इतिहासक साखी भी इस गल नाल जुड़ी है कि सुखमनी साहब जी दी बाणी तन दे रोग राजी करदी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।